आज 1 नवंबर जो है इसे वीगन डे के रूप में 1994 से हम पूरे संसार के अंदर मनाते हैं। वीगन डे या वीगनिज्म जो है वो एक ज्यादा पुरानी टर्म नहीं है, 1944 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम कॉइन करा गया था और बहुत से लोगों के लिए ये अभी भी एक नया शब्द ही माना जाएगा। शाकाहार या वेजिटेरियनिज्म ये हमारे समाज में हजारों साल से व्याप्त है। किसी समाज में कहा जाता है कि 2000-2500 साल पहले से हम वेजिटेरियनिज्म की तरफ चले गए, कुछ समाज उससे भी पहले कहते हैं कि हम वेजिटेरियनिज्म की तरफ चले गए। जब आज का विषय कॉन्शियसनेस का चल रहा था उस वक्त हमारी जो वीगन डे और कॉन्शियसनेस में एक सामंजस्य ऐसा जो मैंने मेरे मन में आया कि जैसे जैसे हम कॉन्शियस होते गए हमारी जो विचार था कि जो आदि मानव था वो मात्र खुद को जीवित रखने के लिए ही कॉन्शियस होता था कि मैं कैसे जीवित रहूं और जो भी उसके पास अवेलेबल सोर्सेस हुआ करते थे उसमें एनिमल्स होते थे। तो हम ज्यादातर पृथ्वी के भूखंड पर लोग नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी पाए गए। जैसे ऐसे हम कॉन्शियस हुए और नई नई चीजों का आविष्कार हुए, जब हम मनुष्य जाति ने फसलें लगानी शुरू कर दी तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए एक ऑल्टरनेट मिलने लगा, वो उन फसलों के सहारे अपना भोजन प्राप्त कर सकता था और उसके अंदर कॉन्शियसनेस आई होगी कि मैं एनिमल को खाना छोड़ दूं, इनके अंदर भी जान होती है, जब हम इनको मारते होंगे तो इनके के अंदर भी दुख होता है, दर्द होता है। तो उसने उसको और ज्यादा महसूस करना शुरू कर दिया क्योंकि उसको अब जीवित रहने के लिए और प्रोड्यूस मिलने लगी थी। इसमें कुछ समाज आगे पहले निकल गए जहां पे फसलें या गेहूं चना बाजरा ये चीजें पहले उगाई गई और जो हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया था जहां पे फसलें देर से उगाई गई विभिन्न कारणों से, वो बाद में उनके मन में विचार आया कि हम वेजिटेरियनिज्म की तरफ बढ़े। ये जो वीगन शब्द है इसके अंदर क्या है कि हम एनिमल को नहीं खाते, ये तो वेजिटेरियनिज्म हो गया। जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, ये मूवमेंट बढ़ी, 1944 से जो प्रारंभ हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो ये पाया गया क्योंकि दूध के अंदर भी जीवाणु होते हैं, क्योंकि जो अंडा होता है वो भी भविष्य के अंदर एक जीव बनने वाला होता है। तो हमारी सेंसिटिविटी और कॉन्शियसनेस और बढ़ी और शुरू के अंदर जो खाली एनिमल ना खाना या मिल्क प्रोडक्ट ना खाना जो वीगनिज्म का पार्ट था, उसके अंदर हमने और चीजें भी ऐड कर दी। मतलब किसी भी तरह की जो एनिमल क्रुएलिटी है उसको भी हमने रोकने का प्रयास करा ह्यूमैनिटी ने, और उसी संकट के अंदर जो हमारा ये जो ये मूवमेंट आगे बढ़ी उसमें ये रहा कि जो एनिमल्स की प्रोडक्ट्स होती है इवन आफ्टर डेथ जो उनकी हमें फर मिलते हैं या लेदर मिलता है जिसका उपयोग मनुष्य अपने जूते पहनने में या फर सजावट के लिए अपने शरीर को बनाता था, उसको भी हम रोकें। तो ये पूरी एक्सरसाइज है, पहले हमने कैसे शुरू करी कि हम एनिमल को नहीं खाएं, वेजिटेरियन बन गए। उसके बाद क्या कहा कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का भी हम यूज ना करें क्योंकि जीवाणु होता है मिल्क के अंदर भी और इस पे बच्चे जो जो भी एनिमल होता है उसके बच्चे का पहला राइट होता है।
उसके बाद हमने कहा कि जो एक डेड डेड एनिमल होता है उसकी बॉडी को भी हम रेस्पेक्ट दें, इवन उसकी जो डेड एनिमल की स्किन है उसको जो हम यूज करा करते थे या उसके हम फर को भी यूज जो कर लिया करते थे एनिमल्स को मार के या जिंदा मरने के बाद अपने परिधानों के अंदर, उसको भी हमने रोक दिया। अब आज की तारीख के अंदर अगर इस मूवमेंट को हम देखें वेगनिज्म को, तो हिंदुस्तान में तो काफी 25-30% लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन तो है ही आज की तारीख, और उनमें से काफी बहुत मात्रा के अंदर लोग वीगन भी होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जैसे इस विषय में मैं पढ़ता रहा कि यूरोप के अंदर इस वक्त 10-12% रफली लोग ऐसे जो वीगन हो चुके हैं, मतलब ना तो नॉनवेज खाते, ना वो मिल्क प्रोडक्ट लेते मिल्क पीते, ना वो एनिमल्स की जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं उनका यूज करते हैं। मतलब लेदर मरे हुए डेड एनिमल्स की स्किन का बेल्ट नहीं पहनेंगे, वो अदर जो सोर्सेस से बनी हुई सिंथेटिक बेल्ट होती है वो प्रयोग करेंगे। ऐसी चप्पल जूते वो प्रेफर करेंगे हमें सिंथेटिक प्रोडक्ट की बनी चीजें मिलने लगे। इसका जो जुड़ाव है, जैसे जैसे हम वीगन बनते जाएंगे हमारा जो पूरा एक क्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी पड़ता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस जो निकलती हैं, जैसे जैसे हम अपनी फूड हैबिट कम करते हैं नॉन वेजिटेरियन की, तो उसके अंदर भी हमारा चेंजेस आती है, वो इमिशन जो उनका इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस होता है वो कम होता जाता है, उससे हमारी जो क्लाइमेटिक चेंज जो बहुत बड़ा एक खतरा है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक यात्रा है जो हमने प्रारंभ करी थी और जिसका जुड़ाव में दो एंगल आते हैं मेरे हिसाब से आते हैं। एक हमारी कॉन्शियसनेस कि हम अपने बारे में और औरों के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स या और एनिमल्स के बारे में कितना कॉन्शियस है, उनके राइट्स को हम कितना रिकॉग्निशन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम इन्वेंशन करते जाते हैं, ऑल्टरनेट हमारे पे अवेलेबल होते जाते हैं, तो हम एक तरह से अफोर्ड कर सकते हैं कि इन चीजों को हम और बढ़ाएं, वीगनिज्म को और बढ़ाएं, दूसरे जीवों के प्रति अपनी संवेदना और बढ़ाएं। तो ये एक जर्नी है जो लगातार चल रही है। आज की तारीख में जैसे मैंने आपको बताया कि काफी लोग वीगनिज्म की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ऐसे डिजिटल एज भी आ रही है, जो लेटेस्ट हमारा एक वी गाइड करके ऐप भी इंटरनेशनली चल रहा है, जिसके अंदर आपको अलग अलग गाइडेंसेस मिलती हैं कि आप अगर दूध नहीं पी रहे हैं तो दूध की जगह आप कोकोनट का मिल्क बना सकते हैं, आप एलमंड का मिल्क बना सकते हैं, और उसके अंदर आपको प्लांट बेस्ड डाइट दी जाएगी। मतलब जो नॉन वेजिटेरियंस हुआ करते थे, मांसाहारी होते थे, उनको ऑल्टरनेट दिए जाते हैं कि आप ये चीजें बना के खा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज हम अपनी तो जो डिग्निटी है उसको सम्मानित करें, लेकिन एनिमल्स जो हैं जो प्लेनेट अर्थ के ऊपर रहते हैं उनकी जो डिग्निटी है उसको भी मेंटेन रखें, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो हैं वो वीगनिज्म की तरफ जाएं। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने परिवार के अंदर, मेरी जो छोटी बेटी थी वो हम लोग शाकाहारी है, वो पढ़ाई के लिए चली गई जर्मनी, तो जब वो यहाँ पे थी तो वो दूध पीती थी या दूध के प्रोडक्ट खाती थी। लेकिन आप देखिए कितना एडवांस रूप से ये चल रहा है यूरोप के अंदर, कि जब वो जर्मनी गई पढ़ने के लिए 2016 के अंदर, और आज की तारीख में वो प्योरली वीगन हो चुकी है, वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं खाती है। और कई बार हमसे भी वो एक्सपेक्ट करती है, हमने पूरी तरह से छोड़ा नहीं है, कि हम भी इस ओर अग्रसर हों। तो इसी तरह से जैसे हम अध्यात्म की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, हम ज्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने बारे में भी और दूसरों की इज्जत को भी इज्जत देने के लिए। तो उस वे में हम चाहेंगे कि हम सब लोग
इस वीगनिज्म को करें, और एक बार पुनः आपको वीगन डे के मेरी तरफ से शुभकामना, धन्यवाद।